किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके इतिहास को समझना बेहद जरूरी है। भारत में समय समय पर कई साम्राज्य स्थापित हुए, जिनके वक्त में कला और संस्कृति में नए आयाम जुड़ते गए। वक्त के साथ कई साम्राज्यों ने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई। इनमें से कुछ केवल कहानियां बनकर रह गए, तो कुछ ऐसे भी साम्राज्य हैं जिनकी समृद्धता और कला कौशल की यादगार वो खंडर हैं जो समय के थपेड़े सहकर भी अपनी धरोहर संजोए हुए हैं। इन्हीं में से एक है विजयनगर के ये खंडहर, जो करीब 600 साल पुराने गुजरे वक्त का वैभव बयां करते हैं। हम्पी में घूमते हुए कई बार लगता है कि हम मध्यकाल इतिहास के बीच में हैं। इन्हें देखने से लगता है कि एक वक्त में यहाँ समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। यहाँ आकर महसूस होता है कि प्राचीन भारत का एहसास कितना भव्य रहा होगा और विदेशी आक्रांताओं ने उस भव्यता को किस कदर नेस्त नाबूद किया होगा। हम्पी में ये दोनों ही नजारे साथ साथ देखने को मिलते हैं। हम्पी का विट्ठल मंदिर उत्कृष्ट कला और स्थापत्य की बेजोड़ मिसाल है। जिसे देखने दर्शक देश विदेश से खिंचे चले आते हैं। तो आगे से सांप का फना दिखता है। हाँ। सांप का फंक दिखता है ना। हाँ। फना दिखता है ना। हाँ। नीचे से छोटा सा शिवलिंग दिखता है। हाँ। और छोटा बंदर दूध पी रहा है, बड़ा बंदर बैठा है साइड में, उसका दूम वगैरह सब दिखता है। देखो। हाँ। ये छोटा बंदर है। हाँ। और इधर से आके देखो तो मेंढक पानी में जम कर सके दिखता है। पत्थर को तराश कर बनाए गए हम्पी रथ के पीछे इतिहासकारों का मत है कि कोणार्क के पहियों पर टिके रथ से राजा कृष्णदेव राय इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने वैसा ही रथ यहाँ बनवा दिया। गरुड़ की छवि में बना ये रथ भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। रथ को पार करके हम चलते हैं इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य की। महामंडप में मौजूद म्यूजिकल पिलर्स की तरफ, इनका आधार खूबसूरत कलाकृतियों से अलंकृत है। इन खूबसूरत नक्काशीदार स्तंभों को म्यूजिकल पिलर या संगीतमय खंभे कहा जाता है। इन पत्थर के खंभों को थपथपाने से निकलने वाला संगीत
सबको हैरान कर देता है। सौ साल पहले की तकनीक और विज्ञान के आगे आज आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक है। इन ठोस ग्रेनाइट पत्थर के स्तंभों में से तबले, वीणा और अलग अलग 81 वाद्य यंत्रों की ध्वनि निकलती है। अंग्रेजों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की कि क्या आखिर यहां से किस तरीके से कोई धुन निकलती है। उन्हें लगा ये स्तंभ भारतीय प्राचीन इंजीनियरिंग कौशल की जीती जागती मिसाल हैं। In the temples, I guess the architecture and all the intricate artwork on them, it's nothing like anything we've got in England. It's all very different and new and exciting. भारत के मंदिरों की विविधता अनोखी है। ये मंदिर न सिर्फ विश्वास और धर्म का जीता जागता रूप हैं, बल्कि ये सदियों से भारतीय वास्तुकला और भवन निर्माण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कहानी भी बयां करते हैं। इस मंदिर के इस विशाल गोपुरम का निर्माण राजा कृष्णदेव राय ने 1510 में करवाया था। मंदिर के दक्षिण में 12 स्तंभों के मंडप में भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा है। गोपुर से आगे बढ़ने पर मंदिर की भव्यता और बढ़ जाती है। वीरूपाक्ष मंदिर को पंपापति मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के मंडप पर श्रद्धालु आज भी अपनी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा निभा रहे हैं। ये मंदिर विजयनगर में सबसे पुराना माना जाता है और आज भी यहां भगवान शिव की आराधना होती है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने इधर हमारे माल्यवंत रघुनंद मंदिर में घोर चातुर्मास के लिए बैठते हैं, वो चातुर्मास के लिए बैठते वक्त हर रोज़ इधर 4 महीने श्री रामचंद्र जी ने विरूपाक्ष भगवान को पूजा करके गए हैं। ये मंदिर जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के समय से भी ये चलता आ रहा है, सदियों से 300 युग का पुराना है ये मंदिर। पूजा के अलावा ये मंदिर वैज्ञानिक नजरिए से भी अहम है। यहाँ एक कमरे में ऊपर की तरफ एक छेद है, जिससे यहाँ पड़ने वाली गोपुरम की परछाई उल्टी दिखाई देती है। इसके अलावा मंदिर में ध्यान के लिए नीचे की तरफ कमरे हैं। यहाँ ध्यान के लिए लोग बैठते हैं। इन कमरों में भी छत की तरफ बड़ा सुराख है, जिससे रोशनी कमरों के अंदर पहुंचती है। मंदिर में सैकड़ों साल पहले की गई कलाकारी भी हैरान कर देने वाली है। No.
हम्पी में ज्यादातर मंदिरों की तरह यहाँ पर पास में ही एक तालाब है। मंदिर के बाहर दोनों तरफ उस वक्त का बाजार भी है। मंदिर से थोड़ा दूर निकलने के बाद भगवान लक्ष्मी नरसिंह की मूर्ति है। इस मूर्ति में नरसिंह आदिशेष यानी सात सरों वाले नाग की शैया पर बैठे हैं। इस मंदिर को सन 1528 में राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। मूल मूर्ति पर भगवान नरसिंह की जांघ पर बैठी देवी लक्ष्मी की आकृति भी थी, जो बाद में इस नगर को उजाड़ने वालों ने तोड़ दी। शाही परिधि के बीचों बीच मौजूद है हजारा राम मंदिर। इसे देखकर लगता है मानो बनाने वाले ने अपनी कला की उत्कृष्टता को पत्थरों पर तसल्ली से गढ़ा है। सैकड़ों साल पुरानी बनी मूर्तियों को छूकर लोग एहसास करते हैं कि ये कोई सपना नहीं है। मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशीदार मूर्तियों में रामायण की कहानियों को उकेरा गया है। हजारा राम मंदिर से थोड़ा दूर ही लोकप्रिय कमल महल है। इसकी मेहराबें कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह बनी हुई हैं। अपनी विशेषताएं समेटे कमल महल के पास ही हाथी घर के भी अवशेष देखने को मिलते हैं। यहाँ इसके खंडरों की चमक आंखों को चकाचौंध कर देती है, तो अपने वक्त में इस शहर की समृद्धता की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। जितना हम मुगलों और तुर्कों के बारे में जानते हैं, उतना हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा सुना नहीं है। विजयनगर, जिसका मतलब है जीत का शहर, मध्य युग के इस शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही इस पर लगातार आक्रमण हुए, लेकिन इस साम्राज्य के राजाओं ने इसका कड़ा जवाब दिया। ये साम्राज्य कभी दूसरों के अधीन नहीं रहा। इसकी राजधानी को कई बार मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन इसे फिर खड़ा किया यहाँ के लोगों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना राजा हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 में की थी। दरअसल विजयनगर पर सन 1336 से लेकर 1565 तक चार राजवंश, संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अरविडू वंश ने शासन किया। इनमें से तुलुव वंश के कृष्णदेव राय को सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, जिनके समय में विजयनगर सैनिक दृष्टि से दक्षिण भारत का बेहद शक्तिशाली राज्य हो गया था। यहां तक कि मुगल बादशाह बाबर के समकालीन कृष्णदेव राय को बाबर खुद सबसे शक्तिशाली राजा मानते थे।
मुस्लिम महासंघ ने मिलकर आक्रमण किया, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। पहले तो इस युद्ध में संयुक्त मोर्चा की सेना पर विजयनगर की सेना कहर बनकर टूटी, लेकिन अंतिम समय में 70 वर्षीय राम राय की युद्ध में मृत्यु के बाद विजयनगर की सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। दक्कन की सल्तनतों ने विजयनगर की राजधानी में प्रवेश करके उनको बुरी तरह से लूटा और सब कुछ तबाह कर दिया। कई समय के प्रमाण मिलते हैं। ऐसे क्षेत्र है ये, जब जब भारत देश में जब जब सनातन धर्म की जो च्युति पहुंचने के लिए जो असुर लोग जो अधर्म बढ़ता है, धर्म साम्राज्य स्थापन करने के लिए यही मुख्य केंद्र है। उसके लिए जब सत्य हरिश्चंद्र आया, यहाँ भगवान को प्रार्थना करके गया, साम्राज्य प्राप्त हो गया। होने के बाद श्री राम भगवान भी आए, यहाँ चातुर्मास भी किया, यही किष्किंधा है। हनुमान भगवान भी यही मिला, तब धर्म साम्राज्य स्थापन हो गया। पुराणों में जिक्र है कि माल्यवंत पर्वत पर मौजूद इस मंदिर में भगवान राम अपने वनवास के समय लंबे वक्त तक रुके थे। आज भी यहां 24 घंटे रामचरितमानस का पाठ होता है। भगवान राम मंदिर से कुछ दूर निकलने के बाद है अंजनी पर्वत। मान्यता है कि यहीं हनुमान जी का जन्म हुआ था। अंजनी पर्वत पर बजरंग बली के पिता महाराजा केसरी का राज था। रामायण में जिक्र है कि बाली और सुग्रीव भी इसी क्षेत्र में रहा करते थे। यहां से कुछ दूर ही धार्मिक तौर पर चार प्रमुख सरोवर में से एक पंपा सरोवर है। संतों या श्रद्धालु यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है यही वो शबरी का आश्रम है, राम की चरण पादुकाएं भी हैं। यही वो जगह है जहां भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाकर समाज को जाति के आधार पर छुआछूत ना मानने का संदेश दिया था। हम्पी के आसपास सैकड़ों ऐसे मंदिर और पुरातत्व हैं। श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का स्रोत, पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय यात्रा और पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए जीवंत सा दिखने वाला